गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड, आप लोग एसएसटी का आज 14 लेसन पढ़ेंगे। 14 लेसन में क्या है, सेफ्टी रूल्स, यानी कि हमारे कुछ सुरक्षा के नियम। अब सुरक्षा कहां कहां होती है, सुरक्षा हमारे घरों में भी होती है, सड़कों पर भी होती है। अब ऐसी बात नहीं है कि हम घर पर सुरक्षा नहीं करें और सड़क पर सुरक्षा करें, सेफ्टी हमें घर पे भी रखनी है। अब घर पर क्या है, हम इधर से उधर सामान पटक के फिरें तो ये गलत बात है। तो सेफ्टी हमारी हैबिट में होनी चाहिए, स्कूल में हो कहीं भी हो, सुरक्षा हमेशा करनी हमको चाहिए। तो अब यहां पर सेफ्टी रूल्स के अंतर्गत में सेफ्टी है क्या, ये आप देखो पेज नंबर इस पर दिखाई दे रहा है, लेसन नंबर 14 पर, जो बच्चे सड़क पर चल रहे हैं उनकी सुरक्षा है, तो इनको आप घर पर पढ़ेंगे आज। जैसे कि इसमें लिखा भी है वी गो आउट, गो आउट, हम जहां भी जाते हैं ऑन रोड्स, सड़क पर एवरीडे रोजाना जाते हैं, तो वी गो आउट ऑन रोड्स एवरीडे, हम रोजाना सड़कों पर जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, छोटी सी गली में जाते हैं तो वहां पे भी तो एक हैबिट होनी चाहिए। देयर आर मेनी व्हीकल्स, वहां पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारी व्हीकल्स यानी वाहन देखते हैं, विच मूव ऑन द रोड, जो सड़क पर दौड़ते रहते हैं, जैसे कार, बसेस, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा एंड ऑटो, तो मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी ये भी डिफरेंट डायरेक्शन, आमने सामने चलते ही रहते हैं। तो दीज मूव अब व्हीकल्स मूव वेरी फास्ट, अब कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं बहुत तेज चलते हैं, अब बहुत तेज तो हमारे बाजार में इतना नहीं चल पाएंगे लेकिन फिर भी तेज चलते हैं, तो उनमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले है हाउ कैन वी गेट हर्ट, हम कैसे चोटिल हो सकते हैं या चोट हमारे आ जाती है, व्हेन वी आर मूविंग ऑन द रोड, जब हम सड़क पर चलते हैं। सड़क पर चलते समय हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड पर चलना चाहिए, जब हम सड़क को क्रॉस करते हैं तो अपने आप तो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, बड़े बड़े शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो ट्रैफिक लाइट पर के पास होती है, सड़क पर सफेद सफेद पट्टियां लगी होती हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, लेकिन हमारे यहां नहीं है तो हमें कैसे पार भाग के करना चाहिए, नहीं, क्या करें, सबसे पहले हम अपने राइट हैंड पर देखें, सीधे हाथ की तरफ देखें, कोई व्हीकल्स हमारी तरफ तो नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद हम लेफ्ट पर देखें, लेफ्ट में उस साइड से देखें, कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम पार करते हैं नहीं, उधर देखें, उधर देखने के बाद फिर हम अपने राइट हैंड पर देखेंगे, अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हमारे सड़क क्रॉस करने के नियम भी है। तो यहां पर ये हाउ कैन वी गेट हर्ट व्हेन वी आर मूविंग ऑन द रोड, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें क्या लिखा है, देखो व्हेन मूविंग ऑन द रोड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, दीज रोड्स आर फुल ऑफ व्हीकल्स, ये सड़क किससे भरी होती है, वाहनों से भरी होती है, व्हीकल से भरी रहती है, एंड ए लिटिल केयरलेस, थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हमने बरती तो ऑन अवर पार्ट में कॉज एन एक्सीडेंट, तो यह एक दुर्घटना का कारण बन जाती है। जैसे कि आपके मैंने क्वेश्चन नहीं भेजे, लिख तो लिए हैं, भेज दूंगा, इसमें क्वेश्चन है इफ यू आर नॉट केयरफुल, इफ यू आर नॉट केयरफुल व्हाट कैन हैपन,
यदि आप केयरफुल नहीं हैं तो क्या घटना घटेगी, तो मे बी एक्सीडेंट, तो वह भी दुर्घटना का कारण बन जाएगी। तो यदि हम केयरफुल नहीं है तो दुर्घटना अवश्य होनी है। अब एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, अब एक्सीडेंट से बचने के लिए इफ वी फॉलो सेम सेफ्टी रूल, कुछ नियम दिए गए हैं। देखो पहला लिखा है नेवर गो आउट अलोन, अब जी तो बात बच्चों के लिए हो सकती है, बड़ों के लिए तो नहीं हो सकती, कि वो कह रहा है कि नेवर गो आउट अलोन, अकेले नहीं जाना चाहिए। अब अकेले तो जाएंगे भाई, कोई काम है तो अकेले नहीं करेंगे, तो इससे कहते अकेले नहीं जाना चाहिए तो संग में दो चार लेके जाना चाहिए। हाँ बात सत्य है, अगर कोई घटना घटती है तो आपकी सूचना तो पहुंच जाएगी, दूसरा व्यक्ति कर लेगा। दूसरा है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ ओनली, अब हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। फुटपाथ क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि सड़क होती है उसके किनारे पर एक ऊंची ऊंची दीवार सी हल्की सी बनी होती है, तो वो फुटपाथ कहते हैं, यानी सड़क के किनारों पर। अब अपने यहां तो नहीं है फुटपाथ, तो हमें क्या करना चाहिए, तो जहां पर फुटपाथ नहीं है तो वहां पर हमें बिल्कुल किनारे पर चलना चाहिए। लिखा भी है देखो तीसरा पॉइंट, इफ देयर इज नो फुटपाथ, यदि फुटपाथ नहीं है तो वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, सड़क की सुरक्षित स्थान पर ही हमें चलना चाहिए। चौथा है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। इस चित्र में देखेंगे एक बच्चा जी क्रॉस कर रहा है जेब्रा क्रॉसिंग पे, पट्टियां पड़ी हैं सड़क पर, इसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। हमारे यहां तो नहीं है लेकिन बड़े शहरों में देखने को जरूर मिलेगी, हर चौराहे पर मिलती है। अगला कहता है जो हमने अभी बताया था, बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब हम सड़क पार करें तो लुक एट योर राइट, पहले हम अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, देन टू योर लेफ्ट, फिर हम उल्टे हाथ की तरफ देखें, एंड देन टू योर राइट अगेन, फिर दोबारा हम सीधे हाथ की तरफ देखना चाहिए। तो ये थे हमारे सेफ्टी ऑन द रोड के कुछ नियम, और आगे भी हैं, जैसे देखो वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग योर रोड, हमें इंतजार करना चाहिए जब तक ट्रैफिक रुक नहीं जाता है, तब तक हमें इंतजार करें और ट्रैफिक रुक जाए उसके बाद हम क्रॉस करें। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट, हमेशा सड़कों पर जो लाइटें लगी होती हैं ट्रैफिक लाइट, यानी कि आपने पढ़ी होगी फर्स्ट क्लास में येलो रेड और ग्रीन, यानी ऊपर टॉप पर रेड होती है फिर येलो होती है फिर नीचे ग्रीन होती है। रेड मीन्स कहते हैं रुक जाओ, अगर रुके हो और येलो हो जाती है तो चलने के लिए तैयार हो जाइए, और फिर ग्रीन होती है फिर चले जाइए। अब ग्रीन के बाद येलो होती है इसका मतलब हमें रुकना चाहिए, फिर रेड होगी आप रेड पर रुक जाइए। तो तीन लाइटें आपकी ट्रैफिक में होती हैं, रेड येलो एंड ग्रीन, तो ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट, अब अपने आप ही है ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े चौराहों पे आ गई है आप देख सकते हैं। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, सड़क पर हमें खेलना नहीं चाहिए और दौड़ भी नहीं लगानी चाहिए। तो ये ट्रैफिक के नियम थे इस पर रोड पर। अब हमारे स्कूल में भी है, स्कूल के कुछ नियम होते हैं ट्रैफिक इसके सेफ्टी के। अब देखो लिखा है इफ यू गो टू योर स्कूल बाय योर स्कूल बस, यदि तुम स्कूल या स्कूल जाते हो स्कूल बस से जाते हो तो देन फॉलो दी सेफ्टी रूल, उनके लिए कुछ नियम याद रख रहे हैं। पहला है स्टैंड इन ए क्यू, एक लाइन बनाएं व्हाइल वेटिंग फॉर द बस, जब बस आती है बस का इंतजार करें तो
हम एक लाइन में खड़े रहे, जिन्हें धड़कम धड़का एकदम चढ़े भागे। डू नॉट पुश ईच अदर टू गेट इन टू द बस, यानी कि बस में जब चढ़ रहे हैं तो किसी को धक्का नहीं देना चाहिए या खींचना नहीं चाहिए। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, हमेशा अपनी बारी का इंतजार करें। ऐसी बात नहीं बस नहीं भाग जाएगी, बस रुकी रहेगी, जब तक आप नहीं चढ़ जाएंगे तब तक रुकी रहेगी। डू नॉट ट्राई टू गेट इन टू और गेट ऑफ द मूविंग बस, अब चलती हुई बस में न कभी उतरे न कभी चढ़े। अगर जैसे थोड़ी बहुत चलती है लोग उतर जाते हैं तो आगे मुंह करके उतरते हैं, जिधर बस होती उधर ही की तरफ मुंह करके उतरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं फिर भी करना चाहिए। कीप योर हेड एंड हैंड्स इनसाइड द बस, अब बस में से कभी सिर लगा निकालते हैं खिड़की में से, कभी हाथ कर लेते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस, इट मे बी डेंजरस, कभी भी ये है सड़क पर बस चल रही है और बस में से झांक रही है तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये आप अपनी किताबों में देख लेंगे। तो आज हम केवल स्कूल के और रोड के अंदर पढ़ाई है, इनको देखें। कल होम की फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी भेज देंगे।